अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वी3 डॉक्टर्स। जैसे कि हमने आपसे शुरू में वादा किया था कि हम आप लोगों के साथ जा भी जाए हम अपनी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो इस तरह आज मेरा प्लान बना है दुबई जाने का। तो मैं दुबई जा रहा हूँ, तो एक्चुअली एबटाबाद से मुझे रात को इस्लामाबाद आना पड़ा क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी तकरीबन 2 बजे थी, लेकिन कोविड की वजह से अब 6 आवर्स पहले आना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उधर मेरे टिकट पे लिखा था 4 आवर्स का, तो मैं जब 4 आवर पहले आया तो उन्होंने बताया कि आप तो लेट हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा रैपिड कोविड टेस्ट कर दिया। मैंने इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया, तो क्लियरेंस हो गई। इधर जब वेटिंग एरिया पे आ गए तो इधर हमें बैड न्यूज़ मिल गई कि फ़्लाइट डिले हो गया। तो दिन के 1-2 PM के बजाय अब फ़्लाइट की टाइम हो गई है 3:45, मतलब 1 आवर 45 मिनट की डिले आ गई। अब वो टाइम हो रहा है हमारे पास 2:05 और मैं इधर वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ। और अब क्या कर सकते हैं, अब डिले हो गया तो वेट ही करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ मैं तुम लोगों को अपनी जर्नी साथ बता देता हूँ, क्योंकि मैं कल बहुत जल्दी में था तो वीडियो ना बना सका। हाँ, कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं जो मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो प्रॉपर वीडियो मैं ना बना सका क्योंकि जल्दी में था। रात को हम निकले एबटाबाद से तकरीबन 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे। तो एबटाबाद से हमारा सफ़र तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। हमने स्टे की बुकिंग की थी सिरीना में, जब गए तो उनका सर्विस आउट क्लास है। रूम और जो मेंटेनेंस वगैरह और बाकी जो रूम से जो व्यू था सब कुछ बहुत मज़े का था। उसकी क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मज़े की बात ये बताओ, जो जो लोग सिरीना में स्टे करते हैं ना, तो उनकी कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो है वो 8-10 AM होती है, जो कि बहुत मज़े का था। या तो मुझे बहुत अच्छा लगा या तो वाकई मज़े का था, जिसकी वीडियो मैं साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसमें मैंने निहारी का ही साथ ऑरेंज जूस लिया, कुछ फ्रूट्स लिए, सॉरी फ्रूट चाट लिया मैंने, और साथ में मैंने वो लिया चाय ली, क्योंकि चाय के बगैर तो भाई गुजारा नहीं होता। तो उधर से नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके हम डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ निकल आए। constellations they remind me that this life cannot be lost forever I watch my generation it's over
तो जी गाइस हम पहुंच गए दुबई, अभी पहुंच गए। तो ये मेरे भाई हैं यसीन भाई, इन्होंने मुझे पिक किया एयरपोर्ट से और अभी मुझे अपने फ्लैट लेके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये व्यू भी आप लोग एंजॉय करें।